एस्टरीकरण देख रहे हैं। ठीक, एस्टरीकरण में क्या होता है, एक परख नली में हम लेते हैं एथेनॉल लिया है, एथेनॉल में हमने क्या मिलाया, ग्लेशियर एसिडिक एसिड, इन दोनों को मिला लिया। और इधर हमने क्या करा, जो बीकर में गर्म पानी लिया है इसको गर्म किया। अब हम इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेट सांद्र H2SO4 मिलाएंगे, और ये ज्वलनशील है, और इसके अंदर जो मिला रखा है हमने एल्कोहल, ये भी क्या है, ज्वलनशील, तो हम लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जल उष्मा, इसको क्या कहा जाता है, जल उष्मा, ये जब जल के ऊपर जल को हम गर्म कर रहे हैं और उसके बाद इसको इसके अंदर रखे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, जल उष्मा। अब एल्कोहल एसिड प्लस एसिटिक एसिड, ग्लेशियर एसिटिक एसिड और एल्कोहल, तीनों मिला लिया हमने इसके अंदर, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। अब ये गर्म होगा, हो ही रहा है। अब कुछ समय पश्चात हम क्या देखेंगे कि ये तीनों एसिड और एल्कोहल, दोनों एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करेंगे और जो खुशबू आ रही है, जो स्मेल आ रही है, क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टर, एस्टर और एस्टर की खुशबू सुन लिया आप, देख किसके जैसी लग रही है, साबुन के, सेपोनिफिकेशन, यूं तो ये अभिक्रिया एस्टरीकरण है लेकिन इसी को आधार बनाकर क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया। अब इसके अंदर यदि हम पोटेशियम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो मेथड पूरी अलग होगी, पर ये जो हम इसकी खुशबू की बात करते हैं, पोटेशियम जिनमें मिला रहता है वो होते हैं कपड़े धोने के साबुन, और जिनमें सोडियम मिला रहता है वो क्या होते हैं, नहाने के साबुन, और ये प्रोसेस क्या कहलाई, एस्टरीकरण। और ये जो खुशबू आ रही है ये क्या है, साबुन के जैसी आई,